अलख निरंजन। कौन है द्वारे पर, कौन अलख जगा रहा है? आपके द्वार पर एक भिक्षुक आया है। भिक्षुक? हाँ। क्या नाम है आपका? अच्छा, भिक्षा भी नाम पूछ करके दोगे? हाँ, क्योंकि मैं जिस इंसान के इंतजार में आज तक थी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप वही हैं। अच्छा। हाँ, मेरा नाम पूरणमल है, गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूँ मैं। आप पूरणमल हो? हाँ, मैं पूरणमल हूँ। अरे तो आइए ना, आप भिक्षा की बात क्या करते हैं? लेकिन आप मुझे टच ना करें, मैं एक योगी हूँ, संत सन्यासी दूर हुआ करते हैं। ठीक है महाराज, पधारो सा। हाँ, आप आओ। आना नहीं है मुझे, भिक्षा दे दे, भिक्षा घर से भी मांगनी। भिक्षा भी देंगे, सारे काम तरीके के साथ होंगे, ऐसे अच्छा, नहीं होता अच्छा, कुछ भी। आप तो आए और मांग के और चलते बनोगे, हम पागल बैठे हैं इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मुझे भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दूंगी आपको, लेकिन सबसे पहले आपको मेरी कुछ बातें हैं जो सुननी पड़ेंगी और माननी भी पड़ेंगी। क्या बातें हैं बताओ? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ। वो भी मुझसे? आपसे। तुम्हें पता नहीं है मैं एक योगी हूँ। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मैं वर्षों से आपका इंतजार कर रही थी। आप एक राजकुमारी हैं, आपका जोड़ा तो मेरे साथ में वैसे भी नहीं मिलता। आपके इंतजार में आज तक 1700 जोगियों का कत्ल कर चुकी हूँ मैं। ओहो, तू तो हत्यारण भी है। हाँ, बहुत बड़ी वाली मर्डरर। अच्छा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं करना चाहती हूँ, आपकी चाहने से। मैं अपनी भक्ति को भंग नहीं होना। सुनो मेरी बात। कह दे क्या कहना। सुनो, बेस खत्म कर दीजिए। रतन राज पाट और बहु मिले, नहीं चाहिए मुझे कोई बहु। मने साधु तंग करे ना, कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना, कोई सुथरा राजकुमार। डोले हुकम चला शासन पे, मेरा तो रोटी का चूने सबर करूं थोड़े से राशन पे, मेरा तो रोटी का चूने सबर करूं थोड़े से राशन पे। मैं तो तेरी टहल करूं बाबा तू सर के सिंहासन पे, मैंने तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे, तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे। अरे मेहर करो सत्यानासन पे, न्यू सत्संग करे ना, कहूं ब्राह्मण सत हो गया पदवी अंग करे ना, कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। राजेंद्र है यारो, राजेंद्र साहब जी, जिन्होंने 2100 रुपए पहले और 200 रुपए फिर इस रागनी पे खुश होकर के दोनों कलाकारों का सम्मान करें, बार बार धन्यवाद करते हैं। सारे संसार में पहला व्यक्ति तू है जिसे बहू ना चाहिए। हाँ। वरना तो सब मौके का फायदा उठाना जानते हैं, 10-10 की तैयारी करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे फायदा भी नहीं चाहिए। नुकसान ही क्या है? नुकसान ही नुकसान है और क्या है, शादी करने के नुकसान होते होंगे। बिल्कुल नुकसान है। अच्छा, झंझट में नहीं पड़ना चाहता मैं। दुनिया भर में घूम लई ना, मिलिया तेरी शहणी का, और के करना जब लिकड़ गया इन आँखा के पानी का, ओ के करना जब लिकड़ गया इन आँखा के पानी का। मैं तो तेरे चरण दबाऊ नाथ, तू राजा बनू रानी का, मैंने तेरे नगर में
भस्म करे करे गुरु गोरख ज्ञानी का मल तेरे नगर में भस्म करे करे गुरु गोरख ज्ञानी का तू ते इंदर होके इंद्राणी का न्यारा रंग करे ना ये तो मर्जी का सौदा हो से तू बनी तरंग भरे ना कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भक करे ना जोगी मारे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंतजार में मारे हैं मेरे इंतजार में क्योंकि मुझे बताया गया था कि जिस वक्त तुम्हारी जोड़ी का अवतार तुम्हारे सामने आएगा ना तो तुम्हारे हाथ कांपेंगे तलवार अलग छूट के गिर जाएगी लेकिन मेरी तेरी तो जोड़ी भी नहीं मिलती तू एक राजकुमारी है मैं एक फक्कड़ मोटा हूँ फकीरी बना है मैंने कह दिया गोरखनाथ की शरण में मैं रहता हूँ मैंने कह दिया मिल रही है तो मिल रही है मेरा तो खुद का शरीर भी मेरा नहीं है भी मेरे गुरु ने दिया वो मैं गुरु जी से अपने आप मांग लूंगी लेकिन फिलहाल आप मेरी बात पे गौर करो गौर अच्छा हाँ ये क्या कहना चाहते हो तेरे बिना जग सुना लागे सुनी मेरी हवेली तने सत्रे सो जोगी मारे कोई ऐसी बड़ा पहेली तने सत्रे सो जोगी मारे कोई ऐसी बड़ा पहेली पश्चाताप करूं जीवन भर रचवा साथ हथेली मैं कान पड़ा के ब्याह करवाऊं मूड रही एक थेली मैं कान पड़ा के ब्याह करवाऊं मूड रही एक थेली अरे मैं भी बन के रह लू चेली ज्यादा तंग करना अरे भागीरथी के ले चलन सिवे बनगी तेरी गोरी ओ मैं भूखा बंगाली बाबा तू राजा की छोरी ए मैं भूखा बंगाली बाबा तू राजा की छोरी अरे संत कड़े ने जाता है मेरे दिल की करते चोरी क्यों धूड़ फेंक रही सूरज पे फिर भी करती हूँ चोरी क्यों धूड़ फेंक रही सूरज अरे तेरे हाथ में मेरी डोरी कटी पतंग करे ना बिरज पाल सिंह विनर परे था मस्त मलंग करे ना कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना तन राज पाट अरे बहु मिले मने साधु तंग करे ना कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे रिखावण ने जी कर गया मेरा नाचण ने जी कर गया रिखावण ने जी कर गया मेरा नाचण ने जी कर गया मेरे शाम तेरे दरबार में मेरा नाच ने जी कर गया मेरे शाम तेरे दरबार में मेरा नाचण ने जी कर गया मेरे शाम तेरे दरबार में मेरा नाचण ने जी कर गया
जी कर गया। ओ बाबा
आए, बाबा भोलेनाथ को मनाते हुए सभी भक्त बुला रहे, क्योंकि बोर्ड लग रहा है 18वीं तूफानी शिव कावड़, जो डाक कावड़ यहाँ के भक्त लेकर के आए हैं, उन्हें पता है भोले बाबा की महिमा कैसी है। जब जाते हैं और बम बम के जयकारे लगते हैं तो मन में एक उमंग उठती है, आइए बाबा को बुलाते हुए, बाबा को रिझाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, बाबा से क्या फरियाद कर रहे हैं भक्त, क्या कह रहे हैं, आइए। श्रद्धा और भाव से एक बार दोनों हाथ सीधे खड़े कर बाबा के नाम का जय घोष करेंगे, दोनों हाथ जो भी बाबा को मानते हैं, और जोरदार जयकारा लगाना है, बोलिए शंकर भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। आए बाबा को मनाते हुए किस तरह से चलेंगे, कैसे कहने वाला, हो रे मारे और बाबा भोले ना, दर्शन चाहवे से मारे बाबा भोले जिंदगी सारी हाँ सारी, तेरी माला जपे से और धावे जिंदगी सारी सारी, बस राम राम पूजे सुबह शाम, बस राम राम सुबह शाम, तेरी कावड़ लावे से भोले तावड़ करके आ जा, तेरे भगत बुलावे से,
भजन पे 20 रुपए से सम्मान करें। हमारे बाबा भोलेनाथ के भगत हैं जो नाम नहीं बता के गए, वो भी सम्मान करें, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान की हो। शिव शंकर और डमरू वाला पड़ा कल में विषिया रे काला शिव शंकर डमरू वाला बड़ा कल में विषिया रे काला वो शिव शंकर डमरू I'm
रग छाना सखियों से क्या बताया जाती है, क्योंकि बताते हैं वृंदावन की भूमि का अलग ही नशा है। जो बांके बिहारी की
ब्रज भूमि में चला जाता है, उन्हीं का होकर के रह जाता है। तो आज स्वयं राधा रानी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, मेरी बाके बिहारी के नैना सखी री मुँह पे जादू सो कर गए रे, मेरे बाके बिहारी के नैना सखी री मुँह पे जादू सो कर गए रे, मेरे बाके बिहारी के नैना सखी री मुँह पे जादू सो कर गए रे, बाके बिहारी के नैना सखी री मुँह पे जादू Yeah.
माता यशोदा से शिकायत कर रही हैं गोपनिया कि माँ जब जमुना जी पर जल भरने के लिए जाते हैं तो मटकियों को फोड़ देता है और जब पानी भरने के लिए जाते हैं तो कुएं पे जाकर के क्या क्या करता है, नहाने के लिए जाते हैं तो वस्त्र चुराता है, क्या क्या हरकत करता है, सारी शिकायत कर रही हैं। सुनिएगा क्या बोला, पन घट पे छेड़ गयो छोरों को कुल तो, पन घट पे छेड़ गयो छोरों को कुल तो, पन घट पे छेड़ गयो छोरों को कुल तो, पन घट पे छेड़ गयो छोरों को कुल तो, को छोरों को किनारे मेरो बाब, हो जमुना किनारे मेरो बाब,
यशोदा कहने लग जाती है कि भाई मेरा कान्हा नटखट तो है, शैतानी भी करता है, लेकिन पिटकर भी आता है, ये बात तो मुझे नहीं पता है, आखिर ऐसा क्या करता है। तो चौथी कली के माध्यम से वो गोपनिया क्या बता रही है यशोदा से सुनिए जरा। जिनके नाम पर हम और आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, शंकर भगवान का एक पावन सा जयकारा सभी भक्त लगाते हुए चलेंगे। एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे कर लेंगे, बिल्कुल दोनों हाथ, और पावन सा जयकारा लगाते हुए चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो। चलिए और माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता थारी पार्वती पिता महादेवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा। I'm gonna do it.
गंग विराज
भजन पे खुश होकर के परम आदरणीय जिला पार्षद वेद प्रकाश खबरी जी, जिला पार्षद वेद प्रकाश खबरी जी 500 रुपए से मान सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। आइए भोले बम
कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है बेअंत तेरे जग बलिहारी जग बलिहारी तेरे जग बलिहारी शिव का नाम हो सुबह शाम हो शिव का नाम हो सुबह शाम हो जब रहो जब तक दम है दम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः
दस पंद्रह डंगे धर के जी आई दस पंद्रह डंग धर के भाई पूरण मल के तरस करण की समय मिली से मरे के के
बड़ी है, तू तो शादी करने लायक है। तेरे पिता सुलेमान की उम्र है 80 बरस और मेरी उम्र मुश्किल से 20 बरस। तेरी मेरी जोड़ी मिले है, पूरणमल दो कदम पिछड़ जाता है। अरनू कह लगे मासी थोड़ी तो शर्म कर ले, मेरे पिता की धर्म पत्नी है तू, यानी मेरी धर्म की माँ है। और माँ का बेटे ऊपर इतना बुरा नजरिया, ये अच्छी बात नहीं है मौसी, लेकिन मौसी प्रेम में पागल हो जाती है। तीसरी बात के माध्यम से क्या कहने लगती है, हो सफल कमाई। चोट मिले ना हम ससुर बहू से लागे हो।